हाँ भाई क्या हाल है भैया वेलकम टू अंदर एपिसोड ऑफ आस गंजी स्वाग एंड आई होप आज की साउंड क्वालिटी आपको बहुत टॉप नॉच लग रही होगी क्योंकि आज हम अपने नए स्टूडियो में ऑफिशियली आ गए हैं रिवील अभी तक नहीं किया है बाकी करेंगे मेन स्टूडियो तो कैमरे के उस पार है आ, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे ईद गुजर चुकी होगी आई होप आपकी ईद अच्छी गुजरी हो अभी वैसे टेक्निकली आज चांद रात है और चांद रात में भी देखें मैं इधर बैठा हुआ बाज़ारों में नहीं घूम रहा खैर चांद रात बाज़ारों में घूमने का होता भी नहीं एनी वे आई होप uh, अच्छा आपका रमजान गुजरे हों अच्छी ईद गुजरी हो जो लोग मुल्क से बाहर हैं उनकी भी अच्छी ईद गुजरी हो क्योंकि वहाँ इतना फ़ील भी नहीं होता वहाँ पता ही नहीं चलता अजान की आवाज़ नहीं आती सो या इट्स वेरी डिफरेंट बाकी है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान में गुजारी आई होप यू हैड फन और आ, आ, हमारी वैसे दावतें भी जो है ना पी टी आई वर्सेस पी एम एल ए नहीं होके रह गई आप कहीं भी जाओ यही बातें हो रही होती हैं मैं अपनी भांजी की सालगिरह में गया हुआ था परसों मेरे मामू का ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया था बिकॉज ही वॉज डिफेंडिंग इमरान खान और सामने वाली जो पार्टी थी वो नून लीग वाले थे तो मैंने भी इंटरवीन करके बोला यार लाइक यू नो इन दोनों से आप मिल नहीं सकते और आप यहाँ बैठ के अपनी रिश्तेदारी क्यों अपना इवेंट क्यों खराब कर रहे हैं बच्ची की सालगिरह सातवीं सालगिरह है उसको दुआएं दें केक खाएं एंजॉय करें क्या आप इन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जिनसे आप वैसे मिल भी नहीं सकते सो so, पोल्यूट कर दिया हमारी ये पॉलिटिक्स ने जो है ना हमारे हर ईद त्यौहार शादी यू नेम एनी वैसे हमारे बड़े कम इवेंट होते हैं उसमें भी पॉलिटिक्स घुसा दी हमने हर जगह इट्स वेरी सैड खैर इफ़ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल यू कैन डू दैट ऑन पेट्री ऑन डॉट कॉम सर्च कंजी स्वैक फेसबुक पे भी सब्सक्रिप्शन है यूट्यूब पर भी सब्सक्रिप्शन है मेन चैनल पर एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ दैट All of this becomes very, very possible, and obviously, you know, investing so much time reading, sifting through these emails, and then selecting, and then reading, and then obviously editing. Bagara bagara. So, hain aaj ki emails ki taraf. the first one says deteriorating relationships. I hope this message finds a way to you. I am writing to you as a last resort to actually wanting to save my relationships with my family, my wife, and myself. I'm 27 from Lahore, married for one and a half year and now working remotely for an Australian company. Previously, was working with an American company in the same capacity. My working hours have been all over the place, six p.m. to three a.m. Previously, and now four a.m. to one p.m. And this has been one of the reasons why I've been sleep deprived, and it has taken a toll on me. I'm a UK master's graduate from a good university, but to be honest, I wasted that opportunity because my dad said, "Wapas shadi karni I had been engaged since 2015 in my proposed family, and now I was uh, about to marry my फांस से सॉरी आई टोल्ड माई पेरेंट्स की अभी काफ़ी टाइम पड़ा है शादी के लिए लेट मी स्टेयर टू फाइंड एड डिस जॉब बट दे रिफ्यूज़ एंड नाउ हेयर आई एम वर्किंग फ्राम होम द पास टू एंड हाफ ईयर इन अ कोल्ड कॉलिंग जॉब आई एम नॉट हैप्पी जुलेट बाई आई एम मिजरेबल आई एम अ वेरी पॉलराइजिंग पर्सन इन देंस डेट आई हैव द ग्रेटेस्ट एम्बिशंस and the most exuberant of desires to become successful and to work towards achieving the goals but at the same time i feel like i'm incapable of even the slightest of ability i have no technical skill to help me stand out i have a procrastination problem i overthink like crazy and i have been shamelessly away from allah i have a constantly deteriorating relationship with my father who has been there for me in terms of you know school fees fees and all the things in life and i value them a lot but other than that i have not learned or talked with him over the past 3 decades almost for the past 6 months i've had some issues with my wife as well which led her to state that i was not ready for led her to say that i was not ready for marriage which i 100% agree and due to which my parents sat us down and gave us a lecture on why are we giving each other the silent treatment every 3 4 weeks I'm in a dismal state right now. I skipped out on a lot of things in this message, but the crux of it all is that I'm the common denominator for the problems that I have shared here. I want some clarity on the pace of life. Thank you. Thank you so much for your email. So you came from England, read and England Father to him back. आ, शादी करा दी और आ, अब ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी के लिए काम करते हैं सुबह चार से दोपहर एक क्योंकि ज़ाहिर ऑस्ट्रेलिया के टाइम पे काम करना है कोल्ड कॉलिंग की जॉब है पहले अमेरिकन कंपनी थी उसका टाइम शाम छः से सुबह तीन बजे तक था तो पहले तो ये कि भाई ठीक है अब दुनिया वर्क्स राउंड द क्लाक मगर ये कि रातें हमने पढ़ा था ना स्कूल में रातें दी आराम को तूने दिन दी हैं काम को तूने इट्स सो ट्रू सर्केडियन रिदम एक चीज़ होती है उसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा स्लीप साइकिल जो है ख़ासतौर तौर तो पर जो लोग रात को जॉब करते हैं या रात की जॉब करते हैं दे एंड ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ इशूज़ लेटर ऑन इन लाइफ एंड मच अर्लियर इन लाइफ एंड दैट इज़ बिकॉज आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे होते हो ठीक है अब नेचर ऑफ़ द वर्क इस तरह की है मगर नेचर के अपने कुछ कायदे कानून और रसूल हैं तो उनको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो इट विल ऑबियसली हेल्प और वो ऑब्वियसली uh, नॉट हेल्प योर सिचुएशन और फिर वो खाली फिज़िकल उसके प्रॉब्लम्स नहीं होते ज्यादा आपके मेंटल प्रॉब्लम्स भी साथ होते हैं उसके मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशूज़ फॉलो एक तो ये वजह है कि द वे यू आर फील एक दूसरा ये कि यू आर ऑबियसली फोर्स इन टू अ रिलेशनशिप एक तो हमारे यहाँ एक, एक पिछली तिहत्तर एपिसोड से मुझे पता है अब थोड़ा सा बोरिंग लगने लगा है क्योंकि मोरलेस वही प्रॉब्लम्स होते हैं और मुझे नहीं समझ आता कोई नई बात क्या करूँ आप लोगों के लिए ऑब्वियसली काफ़ी सारे रिकरिंग व्यूअर्स uh, भी होते हैं जो पिछली एपिसोड देखते हुए आ रहे होते हैं बट इज़ नथिंग न्यू और मोस्टली यही प्रॉब्लम्स होती हैं ये वो हैं जो मैंने निकाली हैं कि हाँ यार यू uh, नो you know, इनका जवाब देना मस्ट है क्योंकि नॉट ओनली इट हेल्प देम बट इट हेल्प अ लॉट ऑफ अदर पीपल तो मोर और लेस यही मसले हैं ज़बरदस्ती तो रिलेशनशिप्स में घुसाया हुए लेगो को जोड़ने की वो लेगो के पीस होते हैं जो एक साथ के नहीं होते आप ज़बरदस्ती जोड़ने ही करते हो तो वो वाला सीन है प्लस ऑबियसली यूर नॉट डूइंग व्हाट यू वांटेड और मैं हमेशा कहता हूँ हमारे यहाँ लोग सफ़र करते हैं और साउथ एशिया कभी भी खुश नहीं रह सकता क्योंकि जो आपकी दो मेन ख्वाहिशात होती है ना जिनकी वजह से जिसने आपकी लाइफ मेक और ब्रेक करनी होती है वो आपका एक करियर होता है और दूसरा शादी होती है दोनों चॉइसेस हमारे पास नहीं होती हमारे माँ बाप के पास होती हैं तो एक बंदा जो अपने वो कहते हैं ना वेर ऑल वेर ऑल फाइटिंग अ वॉर अब मैं घर से निकला हुआ हूँ मेरा कैमरा मैन घर से निकला हुआ है ही बीटिंग द ट्रैफिक और उसका स्ट्रेस गर्मी अलग फिर यहाँ आना चीज़ें लगाना ये चीज़ें सेट करना he has to give result, he has to produce, ही हैज़ टू गिव रिजल्ट ही हैज़ टू प्रोड्यूस यही चैलेंज एडिटर का भी है मेरा भी चैलेंज है वेर एट वॉर और ये रोज़ करनी है जिस दिन हम ढीले पड़े तीन करोड़ का शहर है रिप्लेस हो सकते हैं लोग ठीक है ना मैं अच्छी चीज़ ही दूंगा आप मुझे रिप्लेस कर देंगे दूसरे कंटेंट क्रिएटर भरे भर पड़े सो so हमें रोज़ाना आके जंग लड़नी है ठीक है एंड इट गेट्स रियली एग्जॉस्टिंग एट रियली टायरिंग विच इज़ वाई यू नीड अ गेट अवे एवरी नाउ एंड देन अब वो अलग बात है कि वही वजह है कि दुनिया में वीकेंड का कॉन्सेप्ट है सो दैट यू कैन अनवाइंड अब हमारे आप क्या ही अनवाइंड कर लोगे कल मैं बेगम के साथ था हम लोग खाना खाने गए थे और फिर हम वापसी में आए तो ट्रैफिक सिग्नल के बीच ना एक एक अलग रोमांस होता है कि लाइक आराम से ट्रैफिक खड़ा हुआ है एंड योर टॉकिंग टू योर स्पाउस एंड यूर लुकिंग अराउंड यू नो उस पर भी जो है ना वो जो एक छोटी सी वो ये वो एक खूबसूरत मोमेंट होता है वो भी पोल्यूट हो जाते क्योंकि शीशे पे फिर आके जी गजरा ले लें नाड़े ले लें मोजे ले लें ठीक है या कोई बंदर ले आता है कि मेरे पास बंदर है तो मुझे पैसे दो अगर ये समझ साइंस आज तक समझ नहीं है कि मेरे पास बंदर है तो मुझे पैसे दो मेरी तो बीवी भी, भी, भी कह सकती है मेरे पास भी बंदर है तुम तो मुझे दे दो सो मोमेंट्स ही नहीं मिलते आपको इंजॉय करने के आप कहाँ बैठोगे खैर ये बातें बहुत बार मैं कर चुका हूँ तो वो अनवाइंड के लिए होता है वो भी नहीं है हमारे पास तो रह दे के ना जो आपने हमने हमने ना एक इनविजिबल uh, पहना होता है मेटल uh, का वो जो नहीं पुराने ज़मानों में जंगों में पहनते थे आर्मर हमने आर्मर पहना होता है तो जब हम घर में जाते हैं ना कमरे में जाते तो हम बेसिकली अपना आर्मर उतार देते हैं वी लेटर गार्ड डाउन सो दैट वी वी कैन बी अर ट्रू सेल्फ लेकिन अगर आप उस कमरे में भी मिजरेबल है ना बिकॉज यू आर फोर्स विद अ पर्सन यू डोंट लाइक और यू डेंट वॉन्ट टू बी विद तो फिर आप क्या ही कर लोगे और ये नाइन्टी परसेंट आप इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश तीनों जगह देख लें यही मसला है पीपल आर फोर्सड इन टू मैरिजे पीपल आर फोर्स टू स्टे टुगेदर ठीक है ना तो एक जेल है तो एक जेल में रहता हुआ कैदी क्या ही कर लेता है राइट right? शौशंग में आप रह के क्या ही कर लोगे तो हमारी जिंदगियाँ शौशंग की जेल है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा गार्ड बैठा हुआ है जो कि हमारे पेरेंट्स हैं या सोसाइटी के रूल्स हैं या लोग क्या कहेंगे ठीक है ना इसकी वजह से हम चुप करके बैठे हुए हैं तो एक बंदा अपने बेडरूम में ही खुश नहीं है कंपैटिबल इंसान के साथ नहीं है तो वो घर ही खुश नहीं होगा जब वो घर खुश नहीं होगा तो वो बिल्डिंग खुश नहीं होगी वो बिल्डिंग नहीं होगा तो मोहल्ला मोहल्ला नहीं तो शहर शहर नहीं तो मुल्क तो क्या ही उखाड़ लेगा साउथ एशिया वैसे ठीक है इंडिविजुअल अचीवमेंट्स आती हैं लोगों की जी नोबेल आ गया या ऑस्कर मिल गया या जी स्पॉटिफाई पे गाना नंबर टू पे चला गया पसरोड़ी इसी रीजन ने बनाया इंडिविजुअल अचीवमेंट्स अपनी जगह लोगों की ग्रैमी मिल गया तो मगर जो एक कलेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी वो क्या ही सोसाइटी क्या ही दे देगी जो कि अपने घरों में खुश अपने बेड पर अपने बिस्तर पर खुश नहीं है इंसान तो अब ये एक सैड स्टेट ऑफ अफेयर एंड इसका क्या ही हल निकालें अगर आप खुश नहीं हो तो फिर ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल ऑफ दिस इज़ वेरिंग यू डाउन आप अपने काम से भी खुश नहीं हो आप अपने स्पाउस से भी खुश नहीं हो और फिर वो जो आपने बोला हमारे फादर की रिलेशनशिप बस वो फीस भरने तक ही थी तो वो नाइन्टी नाइन परसेंट फादर्स की रिलेशनशिप साउथ एशिया में ऐसी ही है ठीक है मैं बड़े अरसे सोच रहा हूँ अपने पुराने घर का व्लॉग बनाऊँ कि मैं कितने छोटे घर में रहता रह रह था नॉट बिकॉज कि कितना छोटा था बट लाइक वेयर आई केम फ्रॉम बेसिकली तो जब आप जिस जब भी मैं वो बनाऊंगा एक तो मैं बड़ा लेजी हूँ आप उसमें देखेंगे कि वो इतना छोटा सा घर था उसमें भी अपने बाप से बात करने के लिए माँ के थ्रू बात करते थे क्योंकि वो रिलेशनशिप ही नहीं था वो एक बॉन्डिंग ही नहीं थी वो एक डर बिठाया हुआ होता है कि जी बाप से बात नहीं करनी है बाप को बोलना नहीं है तंग नहीं करना पता नहीं मतलब हमारे फ़ादर्स जो हैं वो वो नहीं होता कोई ऐसा आम, एनिमल होता है जो कि ज़रा सा टच करो बे जाएगा वाई ऐसी फिगर क्यों बनाई हुई हमने घर में उससे फिर स्ट्रेन पड़ता है स्ट्रेन और वो ज़िंदगी भर का स्ट्रेन होता है और जाहिर है आप भी फील कर रहे हो बहुत से लोग फील करते हैं इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट मगर अब यहाँ तो ऐसा ही है अब ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों को रख के आप ओवर थिंक कर रहे हो तो फिर वो ओवर थिंकिंग जो है इट्स लीडिंग टू एंग्जाइटी भी हो रही है डिप्रेशन भी हो रहा है क्योंकि तो आगे पीछे जो हुआ वो डिप्रेस कर रहा है और आगे क्या होगा वो एंगजाइटी दे रहा है अब इसमें यह है कि यू नीड टू फिगर आउट आपने ज़िंदगी में करना क्या है ठीक है यू नीड टू मेक योर सेल्फ हैप्पी फर्स्ट एंड ओनली फिर वहीं से चीज़ें सही होना शुरू होंगी यहीं यहाँ पहले यहाँ से होंगी तो वो आपको मिलेंगी ज़ाहिर है इन टर्म्स ऑफ योर वर्क वॉट यू डूइंग इफ़ यू डोंट लाइक वॉट यू डूइंग लुक फॉर समथिंग एल्स ईजियर सेट देंड डन रातों रात नहीं होता सबको अपने मतलब के काम मिल रहे होते तो क्या ही बात थी मजबूरी में ही कर रहे होते ज़्यादातर लोग और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इफ़ यू आर फोर्सड टू डू वॉट यू डोंट वॉन्ट टू डू दैट मीन यू डोंट लाइक इट राइट नो बड़ी फोर्सेज मी टू शो अप आई शो अप एवरी डे सेवन डेज अ वीक वाई बिकॉज आई लव डूइंग इट अब ये प्रिवेलेज हर किसी के पास नहीं होती आई टोटली अंडरस्टैंड दैट तो लेकिन ये कि ये सिचुएशन ऐसी नहीं आई थी मुझे भी बड़े हाथ पैर मारने पड़े थे और वो उस नफरत से मैं फ्यूल करता था जो मुझे नफरत ही ना सपोर्ट नहीं की किसी और की मर्ज़ी से उठने की और uh, कोफ्त ट्रैफ़िक का और फिर जाना और फिर छह बॉसेस को जवाब देना फिर ईमेल्स और फिर ये वो सारी चीज़ें कोफ्त होना कि जाना है लेकिन फिर वो उस नेगेटिविटी को मैंने मैंने फ्यूल बनाया और फिर ये कि यार ये चीज़ ज़िंदगी भर नहीं करनी वाट आई एम फीलिंग राइट नाउ सो फॉर एग्ज़ाम्पल दो में दैट वॉज लाइक नॉट अ गुड ईयर इन माई लाइफ बिकॉज आई रियली डेंट वॉन्ट टू डू वट आई वॉज डूइंग और मैं उस चीज़ को बस यही अपने आप को एम्फेसाइज कराता था, था कि यार ये आई वन अभी सिक्सटी एंड डूइंग दिस और बी रिटायरिंग फ्राम दिस आई नीड आउट अब मैं कैसे करूँ फ्यूल करना है सो आप भी अपनी इस एंगस्ट को फ्यूल करें इन टू डूइंग वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड देन लुक फॉर अ जॉब ट्राई टू मूव इफ यू कैन अगेन सिंगल आदमी ना फिर इधर उधर निकल जाता है फिर आपकी बीवी हों और फिर ऑन टॉप बच्चे हों तो फिर वो बहुत मुश्किल होता जाता है कहना नहीं चाहिए लेकिन अब जिस तरह के द वे थिंग्स आर इन अर सोसाइटी ना चाहते हुए भी ना वो बेड़ियाँ बन जाते हैं आपके पैर की भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव इंसान खुद होता ना तो चल लेता है लेकिन उसके साथ साठ किलो का अगर पत्थर बंदा हो नहीं मूव हो पाता उतनी आराम से तो डू नॉट प्रोक्रिएट इन दिस सिचुएशन वो फिर एडेड बर्डन ही होगा तो पहले तो अपने आप को सॉर्ट करें काम को सॉर्ट करें काम शॉर्ट होगा इफ यू लाइक वॉट यू डूइंग देन यू यूल स्टार्ट लाइकिंग अदर थिंग्स एज वेल ट्राई टू बॉन्ड विद योर वाइफ ट्राई टू कल मैंने एक बहुत अच्छी टिकटॉक देखी उसमें एक बड़ी अच्छी एडवाइस थी कि वैन यू आर्ग्यूइंग विद योर स्पाउस और योर पार्टनर यू नॉट आर्ग्यूइंग विद यो नॉट फाइटिंग विद देम यू बोथ शुड बी फाइटिंग विद अगेंस्ट द प्रॉब्लम दोनों ने मिल उस प्रॉब्लम से लड़ना है फॉर एग्जाम्पल अगर लड़ाई है ना मिस कम्युनिकेशन या लैक ऑफ कम्युनिकेशन सो डू नॉट थिंक कि मेरी बीवी या मेरा शोर मेरा दुश्मन है आपने देखना है कि यार हम दोनों एक टीम है और दुश्मन जो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सो वी नीड टू एड्रेस दैट अगर एक दूसरे को वन अप करने में लगे रहेंगे ना तो आज आप वन अप कर लेंगे कल वो वन अप कर लेंगे फिर ये जो है ना वो फिर बैटल रहेगा और ये फिर बहुत टॉक्सिक हो जाता है जहाँ आपको हर वक्त नीड होना कि अपने ही पार्टनर से वन अप करना है नहीं करना वन अपई हम दोनों खुद हम दोनों एक पेज पे हैं हम दोनों एक कंपनी है और हम दोनों की ग्रोथ एक दूसरे की खुशी में है अगर आपने ये देख लिया ना कि उसको नीचा दिखाने में मेरी खुशी है तो फिर आप कॉन्सटेंटली एट वॉर रहेंगे और फिर जंग में क्या ही अच्छा होता है जंग में कुछ अच्छा नहीं होता सो प्रॉब्लम के अगेंस्ट जाना है आपने एक दूसरे के अगेंस नहीं जाना तो ट्राई टू एड्रेस वॉट द प्रॉब्लम इज़ और ये क्यों हो रहा है अगर तो जॉब की वजह से हो रहा है तो जॉब सिचुएशन ठीक करें आपको अगर ये लगा यूर फोर्स इंड टू दिस इंड यूर नॉट कट फॉर इट और यूट यू डेंट वॉन्ट टू डू इट देख लें बात कर लें डोंट लेट एनी थिंग ड्रैग खिंची हुई चीज़ जो है ना फिर वो आपको वेयर आउट ही करेगी ये तो वही बात हो गई कि एक गाड़ी है और उसके टायर निकालने तो वो अपने उस पर एक्सल पर चल रही है तो वो कितना ही चलेगी वो शोर भी करेगी चिंगारियाँ भी निकलेंगी बदबू भी आएगी चल तो जाएगी लेकिन वो फिर उस तरह चलेगीम सिंह तो ये देख लें ज़रा आप और एक एक करके चीज़ों को एड्रेस करें एक साथ सारे फ्रेंड्स नहीं खोल लिए कि उधर जॉब भी छोड़ दी और बीवी भी, भी, भी छोड़ रहे हैं वो फिर वो और आपको पकाएगा ट्राई टू एड्रेस थिंग वन थिंग एट अ टाइम एंड एंड इफ़ यू आर गेटिंग डिप्रेस बिकॉज सपोजिटली योर फ्रेंड्स हैव ट् मेड इट इन लाइफ तो दूसरों से कंपेयर नहीं करें अपने आप को अपने ये से कंपेयर करें एंड इफ़ यू सी अ ग्राफ गोइंग अप दैट दैट मीज योर द राइट ट्रैक बट मसला ये है कि जिंदगी की जो जो ग्रोथ होती है ना वो बहुत वो डिप होता है बड़ा मतलब डिप कह रहे हो सॉरी वो बहुत देर से दिखता है ग्राफ क्योंकि वो बहुत स्पेन हुआ हुआ होता है ना अगर आप उसको दूर से देखेंगे तो ग्राफ ऊपर लगे लेकिन अगर आप बिल्कुल क्लोज नहींग तो वो बिट बाई बिट ही हो रहा होता है राइट सो so, On a daily basis, it might not look like that you're doing something good, but perhaps if you zoom out, maybe you're doing great and you're not seeing the picture that way. So address karin chizoko kamko. ko, ko uh, na ni samajara to rune. or baki ek ek karke chizoko dress kare. I hope you'll find your way out. Uh, you're an educated person and there's no reason you should suffer. There's no reason anyone should suffer. Especially if you if you're educated and you know what's good for you. बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता उनके लिए है क्या अच्छा वो ऐसे ही गुजार देते हैं पता ही नहीं होता बट एट लीस्ट यू रियलाइज़ विच इज़ ग्रेट यूर अंडरस्टैंडिंग दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट इज हाफ द बैटल वन अगेंस्ट दैट प्रॉब्लम राइट सो यूर यूर ऑलरेडी हाफ दैट राइट यू अंडरस्टैंड कि ये ये है मतलब इसको सॉल्व करना है ठीक है एड्रेस करें एंड अ प्रॉब्लम डिलेड इज़ अ प्रॉब्लम मल्टीप्लाइड ये बात आई होप मैं भी सीख लूँ मुझे कोर्ट की याद याद सारें अप्लाय सारे नहीं होते But then I'm a mortal. Uh, I'm just as a human being as any one of you out there. Muj may be flaws. So yeah, try to address them and I hope you find a way. Thank you. Alright, next Sawal. Marry in USA or in Pakistan. Hello, sir. I hope you're doing well. I'm going to ask, where should I get married? Okay. I moved to California from Pakistan when I was 19. Now I'm 25 and settled. My whole family is here and I have a green card so I can sponsor a spouse from Pakistan. But I consider your advice valuable so I wanted to ask you if you, I should get a spouse from Pakistan or get married here. I would prefer arranged marriage. Do you think if I get a spouse from Pakistan she would be able to settle here easily? Of course since Pakistan has a way larger pool so that means more options to choose from. But on the other hand spouse from USA can settle easily and won't have to experience culture shock. Since I grew up in Pakistan, I would be very comfortable connecting with a Pakistani person. But I still wanted to get your opinion. What's your take on this? At the end of the day, shadi or nika is a contract. So we all want to look for the best person we can find, and I want to make that decision carefully. Thanks so much for answering this question. It's a very subjective sawal loosely do Pakistan se If it doesn't work out, then. Dekho, so. kahin se इट्स बेटर देट यू टॉक थिंगज़ ए टू सी खाली ये नहीं पूछना होता कि क्या पड़ा है या क्या खाने पक बट यू शुड आई मीन सिंस यू आर चूजिंग टू गेट प्रिफर गेटिंग मैरि मैरिट अरेंज तो बहुत सारे सेट ऑफ़ क्वेश्चन होते हैं भाई कि फाइनेशियल डिसीशन मेकिंग क्या है uh, या फिर ये कि थिंगस एज लिटल एज कि हाउ डू यू लाइक योर बर्थडे इज़ बींग सेलिब्रेटेड कल ही मैंने एक टिक टॉक देखी थी तो उसमें कुछ पंद्रह सवाल थे वो मैं जब तक आप ये देखेंगे वो मैं स्टोरी पर शेयर कर चुका हूँ वॉज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन कि अगर सिक्स मंथ्स इन टू रिलेशनशिप ये इस वाले सवाल होने चाहिए खैर तो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर रही बात ये कि कल्चर शॉक वाली हाँ कल्चर शौक हो जाता है लेकिन ये कि नहीं भी होता आई इट्स लाइक अट इट्स वेरी सब्जेक्ट आई डोंट रियली नो वॉट टू से अबाउट दिस बट ये कि जिससे भी आप चूज करें चाहे वो 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 अमेरिका की हो अब आपने ये देखना कि आपका सेट ऑफ वैल्यूज़ जो है वो किस को प्रफ़र करता है बहुत सारे लोग प्रिफर करते हैं पाकिस्तान से ले आए बिकॉज दे वुड बी मच ईजियर टू तो कंट्रोल और वो देज़ फील इंडेट के आर ये अमरीका लेकर आए सो आई शुन फिस रिलेशनशिप तो संभल तो संभल के चलना और ये सारी चीज़ें कंट्रोल फैक्टर होता है बेसिकली एज अपोज टू सवन हुस बॉर्न एंड ब्रेड इन यू एस एस को अपने राइट्स पता होते हैं तो सीधा लॉयर को और नाइन वन वन को कॉल मारती है जहाँ पर कोई टेढ़ी मेढ़ी हरकत हुई या कोई उल्टी सीधी बात हुई तो लोग घबराहट में दे मोस्ट लाइकली प्रेफर समन फ्राम पाकिस्तान बट दैन सिंस नोइंग कि आपके होपफुली ये वाले मसले मसाइल ना हो और आप पढ़े लिखे आदमी हैं यू वेल सेटल्ड इन लाइफ कैलिफोर्निया में रह रहे हैं तो कैलिफोर्निया का कुछ तो असर हुआ ही होगा छः सालों में uh, तो आई थिंक हु चूज़ चाहे आप अमेरिका में देखें या पाकिस्तान में देखें ज़िंदगी आपने गुजारनी है तो सवाल आपके ज़्यादा होने चाहिए ना ये कि ना कि ये कि आपकी मदर क्या सवाल करें आपके फ़ादर क्या सवाल करें आपने ज़िंदगी साथ गुजारनी है सो बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट गैम्बल ऑफ़ योर लाइफ एंड स्पेशली इफ इट्स अरेंज मैरिज क्योंकि शादी इट्स इज़ अ गैम्बल थिंगज वर्क आउट मैन लाइक लोगों की लव मैरिजेज़ होती हैं दे फॉलो पार्ट फिफ्टीन टवेंटी ईयर्स डाउन द लाइन नॉट डिस्करेजिंग एनी वन मगर ये कि लाइक एस इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर एंड थिंग्स फॉलो अ पार्ट फॉर देर ओन रिस्पेक्टिव रीजन्स तो सभी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि आपने इस शख्स के साथ जिंदगी गुजारनी है यू हैव टू वेक अप नेक्स्ट टू दैट पर्सन विल यू बी एबल टू बी next to that person when they're at their worst day, you know? Um people have ups and downs, people have people don't look good all the time, you know. They have their days when they are they absolute uh, perfect and then there are days when they're like they don't wanna deal with the world at all. So I mean and like this is the क्लोजेस्ट परसन यू लवर हैव इन योर लाइफ बिकॉज यू नो पेरेंट्स के साथ भी एक एक लिमिटेशन होती है सिबलिंग्स के साथ भी एक लिमिटेशन होती है बट देन वैन इट कम्स टू यर स्पाउस दैट इज़ लाइक द मोस्ट इंटीग्रेल एंड मोस्ट वेल कनेक्टेड पार्ट ऑफ योर लाइफ तो इट हैज़ टू भी एक्सट्रीमली वेल थाट आउट राइट माँ बाप तो हम सेलेक्ट नहीं करते बहन भी सिलेक्ट नहीं करते स्पाउस सेलेक्शन कुदरत ने हाथ में इसलिए दिए क्योंकि ये सबसे मुश्किल और सबसे कठिन भी यही हो सकता है और सबसे खुशगवार भी यही हो सकता है राइट सो आई मीन इट्स योर चॉइस आप कहीं कहीं से भी करें इफ़ फूर कम्फर्टेबल समन हुज़ बॉन्ड एंड बेड इन यू एस तो आपकी दस चीज़ें आसान हो जाएंगी इन देंस के दे नो दे वेज अराउंड दे नो हु टू लुक फॉर वट टू डू थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस लेवल चूँकि बचपन से ही उस उस माहौल में नर्चर हुए होते हैं तो वो एक इंडिपेंडेंस भी होती है कोई झिझक नहीं होती किसी किस्म की वेयर एज यू नो ऐसी भी ई आई हैं कि मुझे याद पड़ रहा है कि एक ई आई थी जहाँ पर एक खातून थी वो यहाँ से होके गई थी बट उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज यू नो स्टोर में किसी से बात करनी है कोई सामान लेना है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है थी क्योंकि ज़ाहिर है कुछ लोग शायद होते हैं या कुछ लोग नर्वस होते, है, होते हैं कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं हिचकिचाहट बहुत ज़्यादा होती है हर बंदा मूँह उठा के नहीं जा सकता तो थोड़ा ओवरवेलमिंग भी हो जाता है नो आ, अगर आप एक पर्टिकुलर माहौल से निकले और एकदम माहौल भी डिफरेंट हो गया लोग भी लंबे चौड़े अजीब लाउड होने लग गए या फिर ये कि कुछ ज़्यादा ही सफाई देख ली तो वो भी दिमाग नहीं काम कर रहा है अरे इतनी सफ़ाई क्यों है यहाँ परेशान होता है हम, हमें के की आदत है हमें पीस में डर लगता है कि कुछ होना जाए तो हम चल इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है अभी बम फटेगा गए अभी कुछ होगा अल्लाह ना करें सो so, सो um, so ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है सो इन दैट केस ऑब्वियसली इट्स बेटर यू यू नो सम लोकली Uh, क्योंकि फिर लाइक यू नो वैन यू वैन यू ब्रिंग समन फ्राम पाकिस्तान देन इट्स लाइक साल के दो चक्कर भी आपके करने हैं फिर लाइक ओबियसली शी विल मिस हर फैमिली पेरेंट्स भी आ जाएंगे डाउनर भी आएंगे ये सारी चीज़ें भी ज़रा कंसिडर करनी होती है आसान नहीं है मुल्क से बाहर रहना राइट right? तो कुछ लोग अच्छा फिर एक ये भी होता है कुछ लोगों का कंसर्न होता है वो बहुत लिजट होता है कि यार आ, अगर मैं दिखाऊंगा कि भाई मैं अमेरिका में रहता हूँ ऑप्शंस ही ऑप्शन आ जाएंगे ना क्योंकि वो ज़ाहिर है एक आ, असल में हम रहते हैं जेल में तो जेल से आज़ादी के लिए हर कैदी फॉरन रेडी होता है कि मेरा सेंटेंस तो ख़त्म हो मैं तो निकलूँ कल ही मैंने इंस्टा स्टोरी पर डाला डू यू वॉन्ट बी राइट नाउ एंड वाई नॉट वेर यू आर आपको याद ही होगा हर बंदा भाग नहीं कर रहा है सब कह रहे हैं यार यहाँ से जाऊँ यहाँ से जाऊँ एंड आई डोंट ब्लेम दैम मैं कोई चूरन नहीं बेचूंगा नहीं इस मुल्क नंबर वन मुल्क है सबसे अच्छा है और ये है आई होप इट बिकम्स नंबर वन बट पासपोर्ट नंबर वन नहीं है पासपोर्ट नीचे से नंबर थ्री पे है सोमालिया अफगानिस्तान फिर हम तो बड़ा मसले मसाइल है घूमना फिरना नहीं हो पाता बड़े आराम से और अब टर्की ने भी वीज़ा बैन लगा दिया मतलब लगाने बैन नहीं लगाया लेकिन वो कठिन करने जा रहे हैं क्योंकि जो हरकतें मैंने आपको दो साल पहले ही बता दी थी कि इनको आप हलीमा वलीमा दिखा रहे हो तो ये तो हलीम खा के पहुँच जाएंगे और वही हुआ तो ये भी होता है कि फिर आपको एक और ये भी रहेगा कि यार इज़ इट लाइक डज शी लाइक मी फॉर हु आई एम और डज शी लाइक वॉट आई हैव यू नो क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास थोड़ी बारगेन चिप्स अच्छी वाली हैं तो इसमें फिर एक ये भी सवाल जहन में रहता है कि यार इसने डिट शी रियली लाइक मी एज हु आई एम और या फिर ये कि इसको बस स्केप चाहिए था कि यार पाकिस्तान की टॉक्सिक लाइफ से तो जान छूटेगी थोड़ा कैलिफोर्निया में घूमेंगे फिरेंगे आराम से यू you नो know? तो फिर उसमें फिर उस इस उस इक्वेशन में आप सेकेंडरी हो जाते हो ठीक है इट्स अ ट्रेड यार सब ट्रेड ही करते हैं ना आप भी कुछ ऑफर कर रहे हो अगला भी कुछ ऑफर कर रहा है अब ये है तो है अब क्या करें इट शुड नॉट लुक लाइक अ ट्रांजेक्शन बट इसेंशियल इट्स अ ट्रांजेक्शन हम शादी में क्या देखते हैं लड़का करता क्या है कमाता कितना है घर कौन सा है गाड़ी हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं नाम नहीं लूँगा आप सब जानते हैं उनको उनकी शादी इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि रहते वो बड़े अच्छे इलाके में तो जब रिश्ते वाली आंटी अगलों को बताती ना कि भाई रिश्ता यहाँ से आ रहा है तो उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और हो जाती हैं मगर जब वो अपनी छोटी सी गाड़ी में जाते हैं ना तो वो फ़ॉन गिर जाता है तो रिश्ते वाली आंटी ने बोला भाई खुदा के लिए गाड़ी बदल लो अगर शादी करनी है तो ये लेवल है ठीक है शरीफ शरीफ तरीन मैं गारंटी लेता हूँ मगर मसला ये है कि यार मैं उसको एज अ दोस्त ही जानता हूँ ना मैं वैसे इंस्टाग्राम पर भी रिश्ता डाल सकता हूँ उसका मैं गारंटी लेता हूँ शराफत की मगर एज अ पर्सन कैसा आई है नेक्स्ट टू हिम यू नो आई एम सेइंग तो मैं एक हद तक की गारंटी ले सकता हूँ कि यहाँ शरीफ उन्नवस आदमी और अच्छा नौकरी है सब कुछ है वगैरह वगैरह एनी anyway, वे तो इसेंशली ट्रेड ही तो होता है तो अब ये आपके ऊपर है मगर मैं आपको ये बोलूँगा कि ये ना देखें पाकिस्तान से अमेरिका से ये देखें कि आपके साथ कंपैटिबिलिटी कितनी है एंड टॉक अबाउट एवरीथिंग थिंग पहले ही सारी बात कर लो ये नहीं कि जी आ जाएं फिर देख लेंगे फिर थोड़ी कंपैटिबिलिटी बना लेंगे ऐसे नहीं होता भाई आप जो है ना मकान पहले पूरा अच्छा देखते हो आई मीन इफ इट्स दिस दिस एग्जांपल साउंड्स वेरी लूज और क्रास बट दैट्स नॉट व्हाट आई मीन एट हार्ट आप पहले घर का फ्लोर प्लान देखते हो अगर आप कोई घर ख़रीदने जाते हो फ्लोर प्लान देखते हो कितने कमरे हैं कितने स्क्वायर यार्ड है स्क्वायर फीट है करीब में स्कूल है मस्जिद है ग्रोसरी है मार्केट है सुपर मार्ट है वगैरह वगैरह और फिर आप साइन करते हो चेक वेक देते हो ना या आप पहले चेक दे देते हो तो और फिर कहते हो तो अब दिखाओ घर कैसा है ऐसे तो नहीं लेते ना घर जब घर ऐसे नहीं लेते तो घर वाली ऐसे क्यों लेते हो कि आ जाएगी फिर देख लेंगे ये नहीं करना जिंदगी में खुदा के वास्ते और जितने लोग सुन रहे हैं खाली आपको नहीं कह रहा मैं कैलिफोर्निया वाले भाई सबको कह रहा हूँ ये नहीं कि आगे देख लेंगे देखी जाएगी देखी जाएगी पे ये हाल हो गया हमारे मुल्क का कोई खुश नहीं है कोई खुश नहीं है ये सब झूठ बोलते हैं इन्फ्लुएंसर जिन, जिन, जिनकी जिनकी हैप्पी लाइफ आपको दिख रही होती है ना और दे लुक सो कंटेंट एंड देर ट्रेवलिंग देर सो कर्डली एंड कोजी अब सब है सब परेशान है हैं भाई साहब भाई ऐसा ही है अब ये तो पता है ना भाई अब कोई खुश नहीं है भाई ये सबसे बड़ा जुआ होता है लाइफ का मैं तो सबको ये बोलता हूँ मैं हमने एक बार खेल लिया तो इसलिए बता रहा हूँ ये सबसे बड़ा डिसीशन है ये सही है तो आपका सब कुछ सही है अगर ये सही नहीं है तो आप बिल गेट्स बिलगेट्स होंन मस्क हों जेफ बेजोस हों बर्बाद है बर्बाद है ज़िंदगी देखो तीनों की नहीं चल पाई ना अब हम तो ये कह सके भाई उनको सोनाटा चाहिए थी हम सन्नाटा दे रहे थे या उनकी उनको एक बंगला चाहिए था हम फ्लैट का किराया नहीं भर पा रहे थे अबे जेफ़ बेजोस से क्या शिकायत होगी उसकी बीवी को कि क्या नहीं दे रहा था वो उसको क्या नहीं दे रहा था बिल गेट्स क्या नहीं दे रहा था जब बहुत माइक्रोसॉफ्ट हो गया था मामला क्या था समझ रहे हो मेरी बात तो <laughs> तो भाई ये वाली बात ये सबसे बड़ा कैंपल है जो भी डिसीशन ले खैर खैरियत से लें इट डजेंट मैटर इफ शीज फ्राम यू एस और पाकिस्तान हाँ थोड़े बहुत प्लस उधर के थोड़े बहुत इधर के मतलब यू नो प्लस माइनस हर जगह के अपने अपने होते हैं इट्स सब्जेक्टिव इट इट शुड कम डाउन टू वर्ट यू नीड आपको क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए एम you know आपको वर्किंग हाउस वाइफ चाहिए या, या, लाइक वर्किंग चाहिए आ, या फिर जो है ना आपको जी ये कि यार मैं बाहर का खाना खा खा के थक गया हूँ आई एम रेडी टू डू टू एक्स अमाउंट ऑफ वर्क आउटसाइड आई नीड समन हुज़ अ होम मेकर ठीक है मुझे अपना स्प्रेड पूरा चाहिए मैंने मैंने नहीं करना इट्स अ चॉइस इट्स अ चॉइस वो सारी कम्युनिकेशन पहले कर लीजिएगा ठीक है चलें गुड लक विद विद्रफिस हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन समथिंग आई क्लोजली रिलेट टू मैरिंग अ डिवोर्स विद एन इन पास्ट सलाम जुनीत भाई आई एम अ फीमेल टर्न ट्वेंटी नाइन लिविंग अब्रॉड आई हैव हैड अ डिफिकल्ट लाइफ फ्राम पेरेंट सेपरेशन एंड हैविंग सेकेंड मैरिज टू लिविंग फाइव ईयर्स इन अ हॉस्टल इन अनदर कंट्री ऑल अलोन विदाउट मीटिंग माई फैमिली ड्यूरिंग रमजान ईद एन एवरीथिंग ऑल अलोन अल्लाह हैज़ ब्लेस मी विद सो मच I moved to a new country, learned the language and now alhamdulillah being a girl I'm proud to say I'm financially supporting my family and have a home for my parents alhamdulillah. I'm an introvert by nature but then there is you jiski baaton mein Allah ne di hai. I decided to have an advice from you it is highly needed. Well thank you if you think so. I've been friends with a guy it's been 5 to 6 years years back years ago he married a woman he met online who was a divorcée with kids. According to him, he fell in love online and then one day he ended up having a nikah with her without telling anyone, not even his family. Both the age of the guy and the woman was same mid-twenties. Turned out the woman married him for some fraud. Because the guy is, mashallah, super rich and makes hell lot of risk ke halal. Okay. He's a very, very hardworking person. You might wonder he's just in mid-twenties, but how come he's so rich? But the fact is he really is. Alhamdulillah, a pious guy belongs to a good family, respects everyone, and above all, Khushikhlaq. But then, just months later, they had a divorce due to some reasons. Long story short, the reason of divorce was the woman herself. She made his life living hell, asked to cut off contact with his family, leave his career, and do stupid things in the name of love. Whereas, at the same time, that woman wasn't living with him but with her first husband, without Tinka. Oh, wow. Because of her children. She used him as a backup plan. This was just her escape plan, and it is too difficult to explain. Long story short, they had their divorce, uh, and throughout that time, it, I was with him as a friend because I really cared for him. Time passed a bit, and he started to have feelings for me and decided to settle down with me and proceed proposed for a Rishtha. He thought he can never love anyone again except me because I know him since a long time, and whatever went through with him, nobody will be able to accept a divorcee, so why not? Plus, according to him, I care for him and I bring peace in his life. At first, I thought he's just trying to distract himself from her. That is why he's coming towards me. I was still alert at all the time. And time passed by. One year passed, he was still the same, loving and caring, genuine with his feelings, and I started to trust him. But then just weeks back, he started acting weird. I asked him the reason, he told me he started getting messages from his ex-wife, like you destroyed my life, etc., and and lots of abuses. And now he says on my face that he he don't think that woman will let us live peacefully. Therefore, we need to separate. I need to let you go. You deserve a better man. This was a shock to me. This was the same guy who even took therapies because I insisted that uh, might help him with the healing. Since day one, I knew it's hard to live with a guy who has such a hurtful past. But I was still willing to spend my whole life with him cause i saw him i saw with time that he's healing i trusted the process but eventually uh, he snapped and here i am confused where did i go wrong and what was my fault i had goals in my life and i have accomplished them with uh, time by time i graduated from a top university struggled hard learned a, a totally new language worked as a part time so that i don't have to ask for bare minimum things from my parents got myself a job made goals and achieved them and still working Day and night to provide a better life for myself and my family. Now I think it's time to settle down. I was confident this guy is the one because time we spent together and the way he has been acting all the time was proof enough. Our families knew about it, but at this stage, he just can't think of anything except you deserve, you should move on. I don't deserve you. You may face challenges with me. He knows I'm ready to face everything. My biggest challenge was accepting to marry a guy who's a divorcee. In our culture, people start judging they don't know the reality and start bashing and same with him but i'm still on his side never judged him because i have seen the reality i think of moving on but i'm afraid at this point when everything was settled and we genuinely decided to get officially fired by the end of this year how can i move on it's so hard i need your advice also being a man i believe you can understand a bit what's going on in his mind i really need to get out of all this i've genuinely loved this guy and i know he did too but now

क्योंकि मर्द का कसूर नहीं हमेशा औरत का कसूर होता है मर्द कैन बी अब्यूजिव ही कैन बी एन अल्कोहलिक ही कैन बी अ सीरियल चीटर और साइकोपैथ मगर जहाँ डिवोर्स हो गई तो सारा कलंक औरत पे द बर्डन द ओनस इज़ ऑन अ वमेन और उसकी लाइफ वहीं ख़त्म हो जाती है आई हैव हैड अ फ्रेंड हु वॉज नी वन अ डिवोर्स ही शी वॉज एक्सीडेंटली अ विडो एट ट्वेंटी वन आई मीन रोड एक्सीडेंट हुआ हर हजबेंड पास इट्स अ गुड फ्रेंड बट फर्दर फर्कस्ट फाइव सिक्स ईयर्स उसकी ज़िंदगी अजाब थी बिकॉज शी वॉज ब्लेम्ड हालांकि वो तो उस मुल्क में भी नहीं थी जाएंगे वाक़ हुआ था बट शी वॉज ब्लेम्ब्ड कि तुम्हारे आने से हमारा बच्चा चला गया आई मीन एंड दैन फिर उस पर आई मीन शी शी वॉज फ्राम स्मॉलर सिटी तो और फिर सर्कल भी छोटा होता है तो फिर वो एक बात फैल गई कि भाई बच्चा खा गई वह अजीब जाहलों वाली हरकत है So she eventually uh, later on found someone amazing guy, and they now have a daughter. Uh, so happy for them. So here, na, masla In in this case, it's, it's a man. But uh, so abusive past wali. Pehle situation ki already wo and she married your friend, but she was still living with that person. Bachchon ki So it's a very common practice, Western countries may क्योंकि जो है अच्छा एक प्रैक्टिस ये भी है कि मियाँ बीवी होते हैं और ऑन पेपर वो दिखा देते हैं कि डिवोर्स हो गई है क्योंकि सिंगल मदर को वेलफेयर मनी ज़्यादा मिलता है करेक्ट भी इफ़ आई एम रॉन्ग अगर मैं आगे पीछे कर रहा हूँ डिटेल मगर साथ घर में रहते हैं क्योंकि तो हमने मुंह से उर्दू वाली तलाक नहीं दी हमने तो खैर पेपर साइन किया है मतलब मजाक बनाया हुआ तो वहां है तो वहाँ से वेलफेयर मनी ज़्यादा आ जाता है घर में साथ क्यों रखा हुआ था जी वो बाप है तो बाप बच्चों को सामने रहना चाह रहे हैं हम अलग पोर्शन में रहते हैं रहते साथ ही हैं तो ये बहुत पुराना स्कैम है बाहर तो अब ये जैसे इन, इस सिचुएशन में शोर को साथ रखा हुआ था वो डिवोर्स थी भी कि नहीं आई मीन अब ये भी क्वेश्चन है क्या उनकी लीगली शादी हुई थी या बस वर्बली शादी हुई थी क्योंकि वर्बल भी हो जाती हैं बाहर मुल्कों में यहाँ भी हो जाती हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ लोग ये करते हैं कि यार आई मीन दे वॉन्ट टू चीट बट दे वॉन्ट टू चीट लीगली यू नो तो वो कहते हैं भाई साइड में शादी कर लो फॉर एग्ज़ाम्पल आई नो दिस लेडी उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उनकी एक बेटी थी एंड शी इज़ वेरी यंग शी इज स्टिल वेरी यंग ठीक है थर्टी अर्ली थर्टीज़ में होंगी तो अब जाहिर है वही वाली बात है वो विडो हो गई तो यंग लड़की विडो बच्चा खा गई मनूस है यही होता ना हमारे यहाँ तो उनकी शादी नहीं हो रही थी शी फाउंड सम वन ऑनलाइन फेसबुक पे हु डिसाइडेड के मैं तुमसे शादी कर लूँगा वो ही डेड वॉज इट वॉज अ मैरिज ऑफ़ कन्वीनियंस कि मैं सिर्फ सैटरडे को आऊँगा आई एल डू माई डीड्स एंड देन आई गो बैक टू माई वाइफ एंड किड्स ठीक है और ये सिलसिला कई साल चलता रहा बच्ची बड़ी हो गई बच्ची समझ लगी ये मेरा बाप ये थी, है क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी ठीक है ना उसकी सालगिरह पे आना अगर बाजार भी जा रहे हैं ना वो मुश्किल से चार पाँच साल की शादी में मुश्किल से तीन चार बार बाज़ार गए होंगे वो भी पता है किस तरह उस फुटपाथ पे वो अलग चल रही है फुटपाथ पे वो अलग चल रहे हैं और वो फ़ोन पे अब यहाँ चलो अब यहाँ चलो यहाँ चलो साथ नहीं दिख सकते तो एक पॉइंट के बाद उनकी बस हो गई खातून की उन्होंने भी लाइशोटर फुट डाउन किया मतलब ये ऐसे कब कब तक चलेगा ही सेट कि मैं छोड़ दूंगा बच्चे को एन शी केम टू मी दिस वॉज बिफोर आज गंजी सोट तो उनको मैंने ये बोला यार कोई भी अपने ना हंसता बस्ता घर नहीं तोड़ेगा आपके चक्कर में उनके तीन चार बच्चे हैं वो वही रखेंगे परहैप्स यू आर द कन्वीनियंट मैरिज यू आर अ यंगर वन हु ही कैन कम टू विदाउट गिल्ट कोई गुना तो नहीं कर रहा भाई निका हुआ है ठीक है मौलवी था गवाह थे साइन हुए तो ये लीगल चीटिंग हो गई ठीक है चीटिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीवी की परमिशन नहीं थी पहली अब आप जितना बोले चार शादियाँ अलाओ है परमिशन से अलाव है और फिर इक्वालिटी देनी है हर हर चीज़ में पैसे भी मतलब बराबर देने हैं मकाम भी बराबर देना है यहाँ तो जी हफ्ते में एक बार आऊँगा एक पब्लिकली एक्सेप्ट भी नहीं किया उधर अपनी लाइफ जी रहे इधर एक सीक्रेट लाइफ तो ये लीगल चीटिंग ही तो हुई लूप होल निकाला ना तो ये जो ख़ातून ने उनके साथ रहते हुए की हुज़ टू से कि वो डिवोर्सी भी थी कि नहीं थी और यहाँ बस बिठा के कर दी शादी ठीक है और आई एम जस्ट रिज्यूमिंग कुड बी एनी सिनारी मैं थोड़ा डिटेक्टिव वाले शोज़ बहुत देखे हैं बचपन में तो मैं मैं हर एंगल पे जाता हूँ तो ये कि वो वहाँ रह रही थी और वो हस्बैंड बच्चे वाली लाइफ अलग और फिर जब इनसे मिलना वो वाली लाइफ अलग उसमें कोई गिल्ड भी नहीं आता हालांकि वैसे ख़ातून को अलाउ नहीं है इस तरह दो शादियाँ इस्लाम में नहीं है ठीक किसी भी मजहब में नहीं है इस तरह तो क्योंकि फिर पटर्निटी का मसला आया था ना कि औलाद किसकी है खैर तो चलो मान लिया कि वो डिवोर्सी थी और वो एक कन्वीनियंट थी और इस तरह के सिचुएशंस हैं एक सिचुएशन मैं भी जानता हूँ वेस्टर्न कंट्री में जहाँ पे माँ बाप साथ एक ही घर में रहते हैं किराया बचाने के लिए क्योंकि बहुत महंगे शहर में रहते हैं और फिर बार बार बच्चों को देखना आना नहीं आना विजिटेशन ये सब बहुत महंगा पड़ जाता है तो अब वो कंपे मतलब एक्स फ्रेंड्स की तरह रहते हैं वो ऊपर अपना अलग खा रहे हैं वो नीचे अपना अलग पका रही है बच्चे ऊपर भी जा रहे हैं खेलने नीचे भी आ रहे हैं खेलने इस तरह की थी और एक बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी उन्होंने इतनी बड़ी बात ही नहीं कभी बताई खैर चलो सबका अपना अपना पसंद होता है नो वंडर शी इज़ अ फॉर्मर फ्रेंड नाउ मतलब आज जो किसी को दोस्त बोलते हो आप इतना भी ट्रस्ट ना करो तो फिर किसी तीसरे ने मुझे बताया खैर एनी वे खली वली मसला भी नहीं था मीन आई नेवर ब्रॉट इट अप एनी वे तो लोग इस तरह वाकई रहते हैं किराया बचाने क्योंकि बाहर मुल्कों में रहना आसान नहीं है हाँ रही बात ये अब्यूज पास अब देखें वो अपना अब्यूज़ लेके इधर आई और अब ये इनको अब्यूज कर दिया होता है ये है कि देर इज़ नथिंग रॉन्ग मैरिंग अ डिवोर्सी पीपल मेक मिस्टेक्स ऑल द टाइम स्पेशली पीपल हु मैरिड लाइक अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस वाले को क्या ही पता होता है ज़िंदगी का लोग चालीस प्या के गलतियाँ कर रहे होते हैं ठीक है हर किस्म की गलती चाहे वो कारोबारी गलती हो चाहे वो बिजनेस प्लान मतलब तो कोई कारोबारी हो गई चाहे वो कोई इन्वेस्टमेंट हो कुछ भी हो पीपल मेक मिस्टेक्स ऑल द टाइम एंड पीपल हु लर्न फ्रॉम इट सो इट बिकम्स एक्सपीरियंस अगर बार बार करें तो मिस्टेक है तो आप एक इक्कीस साल बीस साल जब आप यूर एट द पीक ऑफ हॉर्मोन्स और फिर आपको हर चीज़ लवी डवी लगती है आप शाहरुख खान की फिल्मों से इतना इंस्पायर्ड होते हो कि आपको लगता है बस प्यार होता है और ज़िंदगी होती है और ख़ुशियाँ होती हैं ज़िंदगी अगर देखनी ली ना बॉलीवुड की एक ही फिल्म अच्छी है चलते चलते उसने दिखाया शादी के बाद क्या होता है कुछ कुछ होता है दिल वाले दुल्हन ये तो शादी पे ख़त्म हो गई ना भाई शादी के बाद क्या होता है वो थी चलते चलते रानी मुखर्जी और शाहरुख खान की वो असल फिल्म देखने वाली वो चली नहीं वो अपने ज़माने की इतने उसके गाने अच्छे थे मगर वो कोई सुपर डुपर हिट नहीं थी बाय द वे शाहरुख को लोगों ने ऐसी किंग बनाया हुआ शाहरुख खान हैज़ मोर फ्लॉप्स दैन हिट मूवीज़ बस वो चार्मिंग बहुत नो डाउट इज इज़ एन एक्सट्रीमली चार्म पर्सन और उसका चार्म उसको, उसने उसको किंग खान बनाया वरना उसकी फ्लॉप तरीन फिल्म है पिछले दस सालों में देख लो ना चेन्नई एक्सप्रेस फ्लॉप वो छोटा जिसमें था वो भी फ्लॉप रावण भी फ्लॉप सब फ्लॉप हैं बेकार बस वो चंद फिल्में खैर छोड़ो क्या बोले अभी uh, So मैं बात क्या कर रहा था हाँ दिस नथिंग रॉन्ग मैरिंग इंसान को चांस देना चाहिए और इज़ नॉट कमिंग फ्राम अ सेवियर कॉम्प्लेक्स ये सोचना चाहिए कि यार पीपल लाइक शुड हैप इन दिट्स ओके ठीक है एंड वो मसला नहीं है मगर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि यार आप उनको ये बोलें कि भाई अपना जितना भी है ना पहले थेरेपी करवा के हैं क्योंकि यू गॉन थ्रू अ लॉट उसमें होता ही है कि लोग ना फिर प्रोजेक्शन करते हैं डिसप्लेसमेंट ऑफ एंगर कहते हैं इसको ठीक है ना अब एक्स हस्बैंड से अगर लड़ाई रही है थ्रू आउट सो so फॉर एग्जांपल एक्स हस्बैंड वाज अ सर्टन काइंड ऑफ अ पर्सन तो अब वही चीज़ें नए वाले हस्बैंड में ढूंढने की कोशिश की जाएंगी यार वो भी यही करता था वो भी रात को गायब हो जाता था या वो भी कह रहा था मैं दोस्तों के जा रहा हूँ तो बिकॉज़ वो ये करता था ये यह भी यही करता हो डैट इज़ रॉन्ग उसमें फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हो कि यार आप मुझे उस सांचे में क्यों ढाल रहे हो मैं तो उस तरह कहूँ भी नहीं तो और फिर अपनी पुरानी कोताहियाँ तो मैं नहीं कहूँगा Uh, महरूमियों का बदला नए वाले से लिया नए स्पाउस से लिया जाता है क्योंकि तो वो वाला एंगर कहीं लगा नहीं होता और थेरेपी यही करती है आपके एंगर को सबसाइड करती है बट बिकॉज़ आपने कंसल्ट ही नहीं किया किसी को और आप अंदर एक बॉटल अप लेके घूम बॉटल लेके घूम बॉटल अप हुए हुए हो एंड देन यू फाइंड अ न्यू पर्सन यू लाइक ये मेरा पंचिंग बैग होगा एंड दैन यू अब्यूज़ दैट पर्सन नो अन नो ज़रूरी ये भी नहीं कि जानते बूझते बट बिकॉज आपको उस के ऑस की इतनी आदत रही है तो आपको लगता है यार ये पीस तो गलत है के ऑस ही क्रिएट करना है और फिर आप उसको उसी तरह देख रहे हो तो फिर वो फिर थिंग्स लाइक थिंग्स डोंट वर्कआउट ठीक है तो दस नथिंग रॉन्ग बींग विद दर्सन मगर उसको ये बोले भाई पहले सही हो आ जाओ ओके okay? तो अब वो डिटर्मिन कैसे करें ये भी मुश्किल सवाल है ये कह देना है भाई मैं छः साल से थेरेपी पे जा रहा हूँ आई मीन इट्स अ रिस्क मैन इट इट इज़ अ रिस्क अब बहुत से लोग सिंगल भी होते हैं दे हैव कम फ्रॉम एन अब्यूजिव हाउस होल्ड राइट माँ बाप का टॉर्चर अब ये जो लड़कियाँ बेचारी भाग जाती हैं ये क्यों भाग जाती हैं इसलिए भाग जाती हैं क्योंकि घर उनका जिंदान बना हुआ है घर उनके प्रिजन प्रिजन बने हुए हैं तो प्रिजन से जब जेल ब्रेक बंदा क्यों करता है आज़ादी के लिए ना तो ये भी तो हो सकता है इट्स वेरी ट्रिकी सिचुएशन प्लस हमारे यहाँ तो वो वाला कंपेटबिलिटी मेजर करने का एहतमाम भी तो नहीं है ना कि यू गोइंग आउट फॉर कॉफी और यू यू मीटिंग देम आप अगले को लर्न करना चाह रहे हो चलो ठीक है शुरू में थोड़ा एक दो महीने लव्यू डव्यू होते फिर उसके बाद यू स्टार्ट टू सी द कलर्स हाउ शी इज़ बिहेविंग और हाउ ही इज़ बिहेविंग ऑन सर्टन डेज स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं ट्रैफिक को कैसे डील करते हैं स्लो इंटरनेट को कैसे डील करते हैं यू नो दिस थिंग्स इज़ अलाट अबाउट द पर्सन ये मैं बात कहाँ से कहाँ ले गया मगर ये कि एंगर डिस्प्लेसमेंट ज़रूर होता है तो ये चीज़ देखनी होती है अब उन्होंने आपको भी कोल्ड शोल्डर कर दिया अच्छा ये जब पहले आपके दोस्त से पहले आप नज़र नहीं आई वहाँ से आए अच्छा ये भी अक्सर करते हैं आई डोंट नो खुवा का मर्द की मर्दों का मैं बताता हूँ कंपैरिजन करने का बहुत शौक़ होता है यार वो इतनी अब्यूज़िव थी ये कितनी काइंड है तो यही सही है राइट right, दो में से बस जो एक अब्यूजिव थी अगर दूसरी नहीं थी उसका नॉन अब्यूजिव होना इज द की ये नहीं कि कम्पैशनेट होना है ये होना बिकॉज शी इज़ नॉट अब्यूजिव डू आई मेक सेंस हेयर आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस इट्स इट कुड आल्सो बी अ री बाउंड कि यार चलो ये ये तो सही है ना ये सही नहीं थी तो फिर वो आपके साथ ही थाट बिकॉज यू वर काइंड एंड एंड यू कम्पेशर लिसनिंग वो समझ वो ये मर्द हजरात ये भी समझते हैं कि यार दिस इज़ द वन जस्ट बिकॉज शी इज़ अ लिसनर जस्ट बिकॉज शी इज रिस्पेक्टफुल एंड नॉट लाइक वाइनिंग एंड क्राइंग एंड शाउटिंग एट मी ऑल द टाइम लाइक दैट बिच यू नो तो मेक श्योर यूर नॉट अ रीबाउंड मैन अच्छा खैर साल हो गए आपने भी देखा कि यार साल तक तो री बाउंड तो चलो महीना दो महीना चलता नहीं तो साल तक ओके रहा अब ये जी एक्स वाइफ का कॉल करना क्यों कॉल कर रही है भाई ब्लॉक श्लॉक मारो हर जगह से इफ़ यू डोंट हैव किड्स विद हर दर इज़ नो रीज़न फॉर यू टू स्टे इन टच ठीक है अब वो कॉल करके टॉक्सिसटी क्रिएट कर रही हैं ज़ाहिर है चीज़ा टॉक्सिक वूमेन ऑबवियसली तो टॉक्सिक लोग किसी को भी कहीं खुश नहीं देख सकते ना माइंड वेन दे आर नॉट इन द इक्वेशन सो दे कॉन्ट सी यू हैप्पी आई मीन ये होता है फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे मर्द अग्री करेंगे कि इफ यू आर लेट सी इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप राइट एंड यूर सेंग कि मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ आज बीच पे ठीक है इट डजेंट अफेक्ट हर हर इन एनी वे राइट शी इज़ फार अवे राइट बट बिकॉज शी इज नॉट पार्ट ऑफ द इक्वेजन शील गेट माइड ट्राई करें अपनी बेगम को बोले मैं वीकेंड पर ज़रा जा रहा हूँ दोस्तों के साथ इन सी वॉट टू से सो ये भी कभी कभी हो जाता है आई एम नॉट जेंट्रीफाइंग आम श्योर मर्द भी शायद ऐसा करते होंगे खैर आई एम नॉट दैट मर्द ओके okay. सो so, वो कॉल कर रही हैं इसलिए कि यार ये खुश ना रह सकें ठीक है एंड हिम अलाउिंग हिम टू हैव एक्सेस टू हर इज़ ऑल्सो नॉट पॉजिटिव विच मीन्स वो उनको भी ना सही क्लोजर नहीं मिला या वो अभी भी कोई उम्मीद लगाए बैठे इवन दो देव डिवोर्स बट शायद अभी भी है कि वो या तो माफ़ी मांग ले या मैं बदला ले लूँ या कुछ बिकॉज देर इज नो नीड टू बी अ चेन ऑफ कम्युनिकेशन वन्स योर डन योर डन मैन यू कान You can't befriend your prisoner, right? Just why, now, why are you their friend on Facebook? I mean, this is what my wife says. I'm friends with one of my exes. Not friends, friends. He's like on my Facebook, right? I mean, that's it. Kabi me, beij diya, beij diya. But that's it. Khaya. To each their own. So, him allowing her in life is also not good. And I'm telling you that I have no chance to do it. I have chance to do it because you have no to you shouldn't allow her mark your territory put a foot on the door oh, sorry draw a line and draw a boundary and tell her to fuck off man i mean she has no place in your life at all so why are you she's i mean you're letting her win by by allowing her to spoil your day to spoil your mood and spoil your relationship she's winning man so why are you letting her win block her delete her तो खैर अब ये नहीं कर रहे तो अगर आपको लगता है और ये बैकआउट हो रहे हैं आई नो मैन आई नो वन से ही फाउंड एल्स क्योंकि वो शुरू में तो आप रीबाउंड में आप ही थी ना सिचुएशन में तो आप ही लगी अब शायद कोई और मिल गया हो आई एम नॉट पुटिंग आइडियाज़ इन योर हेड बट एवरी थिंग इज़ पॉसिबल एंड एवरी थिंग कैन हैपन बट लाइक अगर आपको लग रहा है वो बहुत कन्फ्यूज है यू वॉन्ट अद्यूज मैन इट्स लाइक द वर्स्ट थिंग टू बी वॉट वुमेन लुक अप टू लुक अप टू मैन फॉर एंड दे शुड इज क्लैरिटी ठीक है ना कोई मैं वो मिसऑजनस बात नहीं करना चाह रहा बट लाइक लीडरशिप रोल एक होता है ना होना दोनों का चाहिए इक्वल होना चाहिए ठीक है मगर सम वेमेन लुक अप टू मैन कि भाई बताएँ क्या करना है दे शुड बी फकिंग क्लेयर विद द टीम मैन दे कॉन्ड भी लाइक देखेंगे हो जाएगा नहीं यू शुड ले आउट अ होल प्लान के भई ये हमारी लाइफ हम यही ये, ये, ये कर रहे हैं आर यू विद मी ऑन दिस और नॉट राइट एंड देन यू मेक अ लीडरशिप प्लान मिल के दोनों ठीक है क्योंकि दोनों आप टीम वर्कर्स हो अब ये कि पता नहीं ये हो जाएगा या पता नहीं हो जाएगा यू यू कान बी विद अ कन्फ्यूज मैन यू ऑलरेडी हैड योर शेयर ऑफ ड्रामा एंड ड्रामा इन योर लाइफ यू डोंट नीड मोर ड्रामा इन योर लाइफ मैं तो यही कहता हूँ सबको ड्रामा कम से कम रखें आई कीप टेलिंग माई वाइफ के वाई डू थिंक दिस लेस ड्रामा इन माई लाइफ बिक आई एम नॉट ऑन एनी व्हाट्सएप ग्रुप मैं गॉसिप का पार्ट बनता ही नहीं हूँ आई डू गॉस एवरी वन गिप ऑफकोर्स वो सेपियन में लिखा है ना इंसान यहाँ तक पहुँचे गॉसिप की वजह से पढ़िएगा जरा नो हरारी क्या कहता है गॉसिप के बारे में बट लाइक आई डोट बिकम पार्ट ऑफ अ ड्रामा उसने उसको ये कह दिया तो उसकी बीवी ने यह सोच लिया तो अबी हो गया मैं हुई नहीं उस कॉन्वर्जेसन में आई एम वे टू कॉल मी एन आसोलो वट एवर आई एम वे अबव दैन ऑल दिस नॉन सेंस अपनी ज़िंदगी में ड्रामा जितना कम रखेंगे ना उतना आप सुकून मिलेंगे मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं जितने भी हैं वो सारे वर्क ले। एक है वो यूट्यूबर्स का और बाकी तीन चार ऑफिस के ही हैं वो भी अब जाके जनवरी में बने हैं क्योंकि सिंस वी व्यू एक्सपैंड तो एडिट का अलग है डिस्ट्रीब्यूशन का अलग है हैं वही चार पांच लोग मगर हर जगह डिफरेंट बात होती है लेकिन वो ऑफिस की बात होती और ऑफिस के बाद वो साइलेंट हो जाता है कहीं किसी की कोई न्यूज़ नहीं आ रही मुझे उसने ये कह दिया उसने वो कर दिया सवाल ही नहीं पैदा सो सिस्टर वॉट यू नीड इन योर लाइफ इज़ नो ड्रामा वो आपको कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता है वो पॉइजन करेगी आप बोलो आप सही कह रहे हो अंदर दिल दुखेगा दुख होगा आई अंडरस्टैंड एंड यूर क्राइंग बट ये वक्ती किराए सही है ये थोड़ा सा किराया अभी आ जाए एक दो हफ्ते का वो सही है रात दिन ये अगले बीस साल का किराया बने योर एम सिंह यू डो वन अभी विद अ प परसन जिसको ख़ुद नहीं पता वो क्या करना है जिसको ख़ुद क्लैरिटी नहीं है एंड एंड डैट पर्सन इज़ अलाउिंग द अदर पर्सन टू रू इन हिज़ लाइफ तो देट मीन्स ही इज़ नॉट लेड आउट हिज बाउंड्रीज़ वेल ब्लर्ड लाइन्स हैं क्लैरिटी नहीं है लाइन line में लाइन्स क्लियर होनी चाहिए कि भई हम यहाँ तक थे एंड दैट सेट सामकुम काम करें अपना अब ये मेरी लाइफ है और आप मेरे साथ हैं और हम हम ये कर रहे हैं यूनीट दैट कांड ऑफ क्लैरिटी तो आप बाहर रहती हैं आपने बहुत कुछ अचीव किया है और जो वेल अचीवर होता है ना वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में क्लैरिटी ही होती है आपको पता था आपने बाहर जाना है काम करना है पीछे अम्मी अबू को घर बना के देना है नई लैंग्वेज सीखनी है करियर बनाना है माशा आपने ये सब उन उनतीस ट्वेंटी नाइन की एज में कर लिया लोगों को पैंतीस के बाद पता ख्याल आता है कि यार कुछ करना है आप कर चुकी हैं ट्वेंटी नाइन पर मैं अभी तक नहीं कर पाया थर्टी नाइन पर सो लाइक यू वेल अहेड ऑफ़ मी यू नो Kudos, man, and you've done that because you had clarity. आपको इस मामले में clarity ही चाहिए। वो अगर बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा, exactly सही कहर नहीं हो रहा। Site पे जाके रोले थोड़ा sa दो हफ्ते दिल दुखेगा, pain होगा थोड़ा सा यहाँ पे। उसके find a better person, find. I mean, I'm not saying he's not good. It's just that that thing has disturbed him to the point where he is not willing to let go of that woman and he's not willing to heal. ओके okay, तो हमें इंजर्ड लोग नहीं चाहिए सफ़र बड़ा लंबा है इंजर्ड लोग नहीं गुजर सकते जंगल से गुजरना है रात होने वाली है शेर चीते बाहर आ जाएंगे इंजर्ड आदमी का खून निकलेगा तो और जानवर अट्रैक्ट होंगे वी नीड समवन हु कैन रन विद यू और हु कैन एटलीस्ट वॉक विदाउट एनी हर्डल्स तो अगेन नो डिसरिस्पेक्ट टू पीपल हु आर डिवोर्सिस आई हैव ऑल माई रिस्पेक्ट यू एंड आई अंडरस्टैंड पीपल मेक मिस्टेक्स एंड शेड हैपन्न अमीन ये होता है सबके साथ होता है मगर ये कि डैट डज नॉट मीन के जस्ट बिकॉज यू अर अब्यूज बाय अनादर पर्सन और यू आर यू नो गॉट इन द थिन एंड ऑफ द स्टेक इन योर लाइफ गिव्ज यू द रईट टू नोइंगली और अन नोइंगली अब्यूज अदर्स तो ये थोड़ा सा न ऑफ़ होता है वो आपको अपना ख़ुद से ही कराना है एंड देन ट्राई एंड फाइंड सम वन बिकॉज यू 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 ऑल्सो डिजर्व लव एंड केयर एंड कम्पैशन एंड अ पार्टनर एंड वाई नॉट ऑफकोर्स मगर ये कि पहले खुद ही लोना है ठीक है तो आप जो हैं मैं आपको यही मशवरा दूँगा कि इफ इट्स सो इज़ी फॉर हिम टू से के यार नहीं हो पाएगा तो बोलेंगे ठीक है क्योंकि जो आपको आज इतनी आसानी से ये कह सकते हैं नहीं हो पाएगा कल को लाइक फाइव वेयर्स डाउन द लाइन मे बी ही डजन लाइक यू एनी मोर आई मीन थिंग्स विल फिजल आउट ऑफ कोर्स वो स्पार्क नहीं रहता ज़िंदगी में इट्स 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 ओनली नेचुरल लोगों को मैंने पहले भी बोला है कि लव वफ तो सब उड़ जाता है दो तीन महीने में फिर जो आपके कॉमन और शेयर्ड गोल्स होते हैं ना वही आपको जोड़ के रखते यार हम दोनों ने खब देखा था हमारा लेक हाउस होगा वही आपको जोड़ के रखता है ठीक है तो जहाँ पर शुरू में ही गिव अप वाली आवाज़ें आ रही हैं ना तो आज आ रही हैं तो अल्लाह की नमत जान के इसको आज ही समझ लें कल को पाँच साल बाद आई फिर आप डिवोर्स ही होंगी अल्लाह ना करे और फिर कोई और ई मेल कर रहा होगा के आर सवन वॉज इन द्यूज पास वन रीड दैट ई मेल अबाउट यू फाइव ईयर लेटर बस बाकी आप समझ आ रहे हैं थैंक यू वन कैन वी चेंज अ पर्सन आफ्टर हीज बिन सो वर्स्ट हाई आई एम ट्वेंटी एट मैरिट एंड मॉम टू बी सोन इनशा but my relationship with my husband has come to a point where we both disrespect each other and have decided to not live together once i deliver his child. it's been two years since i married. before that, we were family friends. his father sent proposal to my house for like five to six times, but as i wasn't ready or say i did not know his son personally, so i refused, but in an ethical way. in an ethical way, yeah. my family always liked them because they showed us the entire different face of them like my parents told them that her daughter wants to complete her studies and then but uh, wants to go to abroad to study further they said they have no problem with that she can do whatever she wants but being a dominant child at home and Abbas largely i didn't say yes to the proposal until i got in touch with the person himself he was very polite and honest person with lots of patience and ethics he told me about his feelings that he wants to marry me we spent like a year talking to each other and going outside, and our parents knew about that. And finally, after seeing how much he supports me and he loves me, I got feelings and I got married. But the very next week, I knew I did a mistake believing these people. He started shouting at me in front of in laws. His father started taunting me and started body shaming me. His father is the one who is the root cause of everything he is doing to me. Asks me to do house chores but never let his daughter work because she is largely. Asks me to give money to him. What the fuck? Which I never did, but he asked it a lot of times indirectly. This uh, word missing. At the moment my dash gets into his room, he comes out as a different person. I was already an already an anxiety patient, but his this marriage made me even worse. I used to get panic attacks all the time, but my brother helped me overcome this a little and told me not to compromise on things that affect your values in any case. Do your study, go abroad, but my husband refused, saying up shadi hogai hai garbeto. I didn't want a child, but Allah's plan I came to know when I was two and a half months pregnant and I couldn't do anything about it. He admits all the time that he has changed and he is sorry for that. Now he cannot do anything about it, but I feel depressed all the time. I want to do something for myself. I'm doing a job in my husband's office worth twenty five thousand, and he's earning three to four lakhs a month, but still asks me to contribute. But he has never given me anything in the name of kharcha, which is my right. But I never argued over it because I knew I can earn. I want to get financially independent, but being pregnant and this stressful, I can't think clearly. I need a way out, with or without living with him. Tell me what can I do now. ट्स वेरी वेरी सैड अभी मैं पिछली मेल में कह रहा था कि यू नो ट्राई टू फाइंड कम्पेटबिलिटी एंड गो आउट विद अ पर्सन बट यहाँ तो वो एक साल गई भी हैं बाहर बट ऑबियसली दैट वॉज इनफ यार छोटे मोटे साइन देखने होते हैं वैन यू आर आउट विद अ गाय ख़ास पर ख़वा को कह रहा हूँ कि हाउ डज़ ही बिहेव वैन इट जब चेक आते हैं ना हाउ डज ही बिहेव डज ही फोर्सेज यू कि जी पहली बारी में स्प्लिट अप कर लें या फिर ये कि वो थोड़ा उम्मीद लगाता है कि आप ज़रा वॉलेट में हाथ डालें क्या आई I मीन mean, ये वाले साइंस या क्या वो जताते तो नहीं है आई मीन आई नो समन बिन थ्रू दिस के आई मीन शी इज़ ऑलवेज अप फॉर पेइंग ऑन इक्वल टर्म्स बट वेन एवर द गाय यूज़ टू पे वो अगली बार दस बार जताता कि मैंने तुम पे वहाँ इतना ख़र्चा किया आई मीन दैट्स अ लेम मै शेड टू से मैन आई I मीन mean, क्या ख़र्चा किया तुमने भाई अगला भी तो टाइम दे रहा है टाइम इज़ मनी तो ये जो है ना ये वाले छोटे मोटे साइंस ईद पे क्या दिया बर्थडे पे क्या दिया हाउ आर सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस हाउ आर दे रिएक्टिंग टू योर सक्सेस ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम प्यार में ओवरलुक कर देते हैं बट uh, फिर ये खुल के सामने आती हैं कि बंदा बंदे का एंगर मैनेजमेंट क्या है अगर आपने थोड़ी देर में रिप्लाई नहीं किया तो कैपिटल लेटर वाले तो नहीं आ रहे या फ्रेंक फ्रेंटिकली कॉल्स तो नहीं आ रही ये सारे टॉक्सिक साइंस होते हैं और ये शुरू में देखने होते हैं कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छा मास्क कर लेते हैं आई मीन थ्रू आउट हो फिर आप जब ब्याह के ब्याह के घर आ जाती हो तब उनको ख्याल आता है कि भाई अब तो मैं पूरा कंट्रोल में हूँ अब कहाँ जाएगी एंड दैट्स विद दे शो दे ट्रू कलर सम पीपल आर रियली गुड एट इट पर और ये होता है बहुत सिनारी में बट बहुत सारे केसेस में लोग ओवर लुक कर जाते हैं इन चीज़ों को सो लाइक बी वेरी वेरी माइंडफुल एंड बी वेरी मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत क्रिटिकल हो जाए और हर चीज़ देखें लेकिन चीज़ों को ओवर भी ना होने दें समझ ना मेरी बात इक्वल टर्म्स पर रखें अब ये वाली बात कि तीन चार लाख रुपये कमा रहा फिर भी कह रहे हैं पैसे दो खर्चा दो देरी शर्टी क्लियरली आप उसको करोड़ों अरबों भी दे देंगी तो पूरा नहीं होगा दिस इज स्ट्रेट अप ग्रीड और आज बात ख़र्चे पे कल को जेवर पे आ जाएगी या फिर बोलेंगे घर वालों से बोलो गाड़ी दिलाए आर नो मैन इन चीज़ों की कोई लिमिट नहीं और ऐसे केसेस भरे पड़े हैं आई इज जस्ट वेरी सार्ड और रही बात प्रेगनेंसी की आई I मीन mean, क्या ही करें आई मीन सी दिस इज थिंग विमेन रिस्क अलॉट विद सेक्स मैन डोंट रिस्क अलॉट आई मीन एस टी डीज़ असाइड अगर इस तरह बात करें अ वुमेंस लाइफ कम्प्लीटली चेंजेस हर बॉडी चेंजेस फॉर एवर एंड अर लाइफ चेंजेस फॉर एवर ठीक है ना मर्द का क्या है पुल आउट नहीं किया टाइम पर ओके ठीक है बस वो सीट दे दिया एंड दैट सेट अब सारा आपने बेयर करना है सारा औरत ने बेयर करना है इसमें फिर मूड स्विंग्स भी होंगे इसमें फिर हेयर uh, फॉल भी होगा इसमें दस हज़ार चीज़ें होती प्रेगनेंसी इज़ वेरी डिफिकल्ट इट्स नॉट ईजी टू ब्रिंग अ चाइल्ड ऑफकोर्स आई मीन द पेन ऑफ ब्रिंगिंग अ बेबी इन टू दिस वर्ल्ड मर्द का क्या है बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा हुआ वेट कर रहा होगा क्या खबर आई है यू नो सो वीमेन वीमेन पे ह्यूज प्राइस वेन इट कम्स टू सेक्स ऐसी सिचुएशन में ना मगर फिर वही वाली बात है ना कि हर किसी के पास ये लेवरेज नहीं होता फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप थी आपको पहले हफ्ते सीन समझ आ गया कि यार ये तो थोड़ा सा ऑफ है सो व्हाट यू कुड डन आई मीन आइडियली ऑब्वियसली आप नहीं कर पाए मजबूरी होगी एक बंदा इतना अब्यूजिव है

तो मज़े ना आने के चक्कर में जो है पूरी पूरी लाइफ ख़राब कर दो अगले इंसान की वैसे हम बड़े दीनदार हैं लेकिन हम बेसिक अखलाकियात ही नहीं पूरे कर पाते हम समझते हैं नमाज़ रोज़े पर जन्नत है असल जन्नत इन चीज़ों पर आपनी फैमिली में कैसे थे अपने इस के साथ कैसे थे अपनी औलाद के साथ कैसे थे मैं यकीन से कह दूँ बा नहीं पता लेकिन इंडियन पाकिस्तानी औलादों ने ना क्या वाले दिन अन्नी पा देनी है ना इन्होंने अपने पे नू अंदर कराया ना सबने हैं भाई उसाम ऐसे ही है सब अंदर करा देंगे अपने माँ बाप को जो अब्यूज़ करते हैं बच्चे कहते नहीं हैं इज्जत में एहतराम में तो समझते हैं सब सही है मगर जहाँ इनको मौका मिलेगा ना देखना सबको अंदर कर अल्लाह देख भी रहा है ये क्या अंदर कराएंगे अल्लाह ताला नहीं देख रहा क्या फरिश्ते नहीं देख रहे क्या लिख नहीं रहे क्या कसम से जो करते हैं सबसे बड़ी आबादी पेरेंट्स की होगी खैर तो मीन I mean, ये दूसरों के लिए भी मशवरा कि अगर आपको शुरू में लगे कि ऐसा सीन नहीं है सो बी वेरी वेरी प्रोटेक्टेड अबाउट कि भाई प्रेगनेंसी ना हो जाए क्योंकि पहले दो लोग नहीं चल पा रहे अब तीसरा भी जो कि ही नहीं चल पाएगा यू you नो know? फिर आप बन जाएंगी फिर आप भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे अब देखें आपके करियर एस्पेक्ट्स हो सकते हैं फॉर एक्जाम्पल इफ़ यू डेंट वॉन्ट टू कंटिन्यू विद दिस मैरिज वन ईयर डाउन द लाइन यू नो यू डेंट अ बेबी टू केटर टू एंड यू कुड हैव गॉन अब्रॉड टू स्टडी बहुत सारी चीज़ें अब आप लिमिट हो गई हैं आपके बच्चे को तो कोई वीज़ा नहीं देगा शेंजिन वीज़ा पढ़ने के लिए आपको मिलेगा ना बच्चे को थोड़ी मिलेगा बच्चे के बगैर आप रह पाएंगी या अपनी अपने पेरेंट्स के बात छोड़ने जाएंगी पेरेंट्स भी कब तक संभालेंगे ठीक है दादा दादी नाना नानी होते हैं बहुत प्यार करते हैं लेकिन पैम्पर जो है ना वो पैम्पर पर आके रुक जाते हैं वो कहते हैं वो माई बदले है ना भाई उस हम ऐसे ही है ना क्योंकि मेरी बेगम बड़ी हैरान हुई मेरी अम्मा ने चेंज किया पैम्पर छोटे का उन्होंने किसी बच्चे का अच्छा ये बात मुझे नहीं पता थी कि उन्होंने अपनी किसी नवासी या हाँ नवासियों का नहीं किया कभी भी नहीं किया मुझे नहीं पता था लेकिन ये पर बहुत बड़ी बात है आई नो मैम तो अब आप जाहिर है आप अपने ऑप्शन में होंगे लिमिटेड अब आप शहर नहीं छोड़ सकती मुल्क तो बहुत दूर की बात है शहर भी क्या घर भी नहीं छोड़ सकती आठ घंटे के लिए आप कैसे काम करेंगी पीछे बच्चा रोएगा तो।, तो ये चीज़ें होती हैं जब आपको लगे ना अगर आपकी शादी में मसले मसाल हैं तो भाई इस चीज़ को तो पहले कंट्रोल करें कि यार कोई तीसरा ना आ जाए इस इक्वेशन में तीनों फंस जाएंगे खैर अब ये हो गया अल्लाह खैर करे आई होप यू गो थ्रू दिस प्रेगनेंसी फ़ाइन लेकिन ये जो बात है पैसे मांगने वाली और चीखने चिल्लाने वाली और माफ़ी तलाफी वाली चलें अभी शायद वो आपकी कंडीशन देख के उसको थोड़ा मर्द डर भी जाते हैं कि यार वो यार इट्स हैपनिंग यू नो पेट बड़ा हो रहा है और यू नो वाकई अब किक्स भी नज़र आ रही हैं और वटेवर व पाँच छः सात महीने बाद तो थोड़ा एम्पेथेटिक भी हो जाते हैं मर्द कि हाँ यार ठीक है ओके लेट्स कंट्रोल अर्ज क्योंकि वी डोंट डोट हर्ट द बेबी आई मीन ऐसे सोचते हैं मर्द तो आई मीन आर नो मैन अब तो खैर बच्चे ने आना है क्वेश्चन में देख ले उसके बाद अगर कोई खातर खा फ़र्क पड़ता है मोमेंटेरिली तो पड़ ही जाता है ज़ाहिर है जीता जागता छोटा सा बच्चा होता है रहम म आ ही जाता है इंसान के दिल में वट हैप इज़ लाइक टू मंथ्स थ्री मंथ्स डाउन द लाइन वो फिर आपने देखना है If these things continue, then clearly talk to your parents and uh, अपने माँ बाप को क्वेश्चन करें कि ये फ्रेंड्स थे आपके आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं ना तो उनसे ज़रा पूछें क्या ये चॉइसेस थी आपकी दोस्तों में एंड देन लाइक दीज आर द बेस्ट पीपल यू थॉट दैट योर ओन डॉटर वुड लिव विद आई मीन क्यू टू योर चॉइसेस मैन मगर फिर वही वाली बात है ना लोग मास्किंग बहुत अच्छी करते हैं लोग बड़े खुशबाश होते हैं पब्लिकली वो इतने अब्यूजिव होते हैं घर जाके मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि ऑनलाइन दुनिया में आके जी औरतों के हकूक उनसे बढ़ के अरे औरत के हकूक मांगेगी जो वो मर्द मांगता है अपनी बीवी को कैद किया हुआ है बाहर मुल्क में और पासपोर्ट छीना हुआ है छुपाया हुआ है कि वो भाग ना जाए और बाहर से ताला लगा के जाता है बीवी को ठीक है मुल्क नहीं बताऊँगा फिर लोग समझ ही जाएंगे और इंटरनेट पर आके उनसे बड़ा कोई चैम्पियन नहीं है औरत मार्च और औरतों और के हकूक़ के ऊपर बीवी को ताले में बंद करके जाते हैं ज़्यादा बातें बता नहीं सकता वरना फिर वो अपनी बीवी की इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो उनका कोई रबता भी नहीं अपनी फैमिली से ये फिर पता चला कुछ लोगों को कि ये सिचुएशन है जब उनकी बीवी के घर वालों ने पूछना चाहा भाई किधर है कहाँ हमारी है बच्ची यू you नो know, तो ये चीज़ ऐसे ऐसे खुली बाहर आके बड़े चैम्पियन है भाई कोई कह नहीं सकता कि ये बंदा ऐसा होगा लेकिन सो सम पीपल आर रियली गुड एट इट अब जैसे हम भी अपने दोस्तों को चाय के होटल तक ही तो जानते हैं ना अब डॉक्टर सलंगी को मैं होटल तक ही जानता हूँ वो घर में कैसा है मुझे क्या पता समझ रहा है मेरी बात वो अपनी वालदा के साथ कैसा है अपने भाइयों के साथ कैसा है मुझे क्या पता और आई कैन ओनली गेज बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंसिस दैट ही आई हैव विद हिम तो आई डोंट नो मैन क्या ही बोलूँ ना आप अपने दोस्तों पे भरोसा कर सकते हो ना उनकी औलादों पे भरोसा कर सकते हो बंदा करे तो किस पे करे तो ये कि अपने पेरेंट्स को तो आप इन्वॉल्व करें और उनको बताएं भाई ये आपकी चॉइसेस थी और आपने मुझे इसमें डाल दिया अब आप बताएं मैं क्या करूं वो बोलेंगे हमारी इज्जत रख लो बोलो आपकी इज्जत रखते रखते तो मेरा अब ये हाल हो गया है अब रखते रखते मैं मर भी जाऊं अल्लाह ना करे लेकिन आप समझ नहीं मैं क्या कह रहा हूं बस हमारी रख लो तुम भरो जलो पिटो गालियां खाओ बेस्ती कराओ अब आप पढ़ी लिखी खातून हैं कमा लेती हैं कमाना जानती हैं बाहर पढ़ने के मौाक़ थे आपके पास अब आपको एक बंदे की और उसके बाप की बातें सुननी पड़ रही हैं मतलब बूमर एक बूमर जो है वो आपकी जिंदगी का फैसला पाकिस्तान का मसला क्या है यंगस्टर जेन एन जी की जिंदगी एक बूमर चला रहा है बैठ के बूमर ही बैठे हुए हैं ना सारे पैमरा में साइंस की मिनिस्ट्री में इधर उधर हर जगह जहाँ देखें बूमर ही बैठा है ना जो चश्मा यूं करके व्हाट्सएप देख रहा है वो फैसला कर रहा है तो आप वही चीज़ एक्सपीरियंस कर रही है ऑन एन इंडिविजुअल लेवल अपने घर में एक बूमर फैसला कर रहा है आपने कैसे जीना है हेल मैन नॉट द वे टू लिव आई आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्लैड यू रोड टू मी आई एम ग्लैड आई केम अक्रॉस दिस ईमेल Go through the childbirth, but बट uh, बट ये के लाइक अपने पेरेंट्स को लूप में रखें अपने भाई को लूप में रखें आपका भाई मुझे ज़रा समझदार आदमी लगता है उनको समझाएं क्योंकि तो वो जनरेशन गया ना आपके वो समझ समझेगा इस चीज़ को पेरेंट्स तो बस ये वो पड़ोसी क्या बोलेंगे वो क्या बोलेगा उस उनके चक्कर में अपनी बेटी जिंदा जला देते आयरॉनिकली बट दैट्स वट दे डू तो उनको तो Uh, लेकिन ये एक उनके कान में ज़रूर डालें एंड देन आई मीन टेल देम यू नॉट हैप्पी यू बेरिंग दिस चाइल्ड बच्चा आता है बच्चे को एक घर में आना है एक खुशहाल घर में आना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह पले बढ़े उस घर में अच्छे माहौल में एंड वो रेज हो और ज़िंदगी का हिस्सा बने आप लोगों की और एक अच्छा शहरी बने मगर जहाँ पे मामलात इस तरह होंगे कि सोसर भी इन्वॉल्व है अब देखें ना ये इन्वॉल्वमेंट बहुत है हमारी जिंदगी में दैट्स अनदर थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन एंड वो ये मैं जो बता रहा था अपनी बेगम को बता रहा था कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं हूँ तो मेरी ज़िंदगी में जो थोड़ा बहुत पीस है उसकी एक और वजह ये है कि मेरी ज़िंदगी में किसी की इन्वॉलमेंट है ही नहीं मैंने कभी वो किसी को मौका ही नहीं दिया कि वो आके बोल सके यार ये ये कर रहा है ये करता है या ये पहन रहे सीन ही नहीं है कोई है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में इन्वॉल्व पेरेंट्स भी एक हद तक मतलब यू नो आई मीन रिस्पेक्टफुली मगर ये कि कोई डिक्टेशन कहीं से नहीं है और मैंने शुरू से ही ऐसा रखा था क्योंकि तो मैं कोई बड़ा बोल बोलने वाली बात नहीं है लेकिन मैं बोलता था यार मैं किसी की और की टर्म्स पे क्यों जीऊँ ये नहीं था कि जी मैं को बहुत चौड़ा हूँ और मैं मेरा मिजाज किसी नहीं मिलता और मैं समझदार हूँ बाकी सारे बैसे नहीं मगर ये कि यार मैं क्यों हूँ भाई मैं मेरी लाइफ में मैं जीऊँगा यार अब अगेन इट्स कमिंग फ्राम अ पोजिशन ऑफ प्रवलेज ये हर किसी को नहीं होती अच्छो अच्छों को नहीं होती आई एम लकी टू हैव इट मगर ये कि पॉइंट ऑफ द एक्सरसाइज कि ना हमारी जिंदगी में इतने लोगों की इन्वॉलमेंट होती है विच इज़ वाई ये ई जो भरी हुई हैं ये आठ आठ दस हज़ार जो ई आई हुई हैं इसकी वजह क्या है इसकी वजह यह है कि सो मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन आर लाइफ ये ऐसे क्यों कपड़े पहन रही है ये वहाँ क्यों जा रही है ये मास्टर्स कर ली गई तो रिश्ते नहीं आएंगे तुमने मैट्रिक नहीं किया फक ऑफ मैन वाई आर यू डिक्टेटिंग माई लाइफ मगर वो आपकी अम्मियों के कान भर रही हैं आंटी आके फ़लानी का भी ये था उसके तो नहीं आए थे तो तुम देख लो फिर अब अम्मियाँ परेशान तो क्योंकि अपनी अकल लगाते नहीं दूसरों की सुन सुन के जो है ना फिर अपनी औरत को टॉर्चर करते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन वी गेट फ्राम दीज मद अकर्स वू आर नॉट इक्विप्ड के एक एक, अच्छे माशरे में इनकी कोई गुंजाइश भी हो मगर ये रह रहे तभी तो माशरा अच्छा नहीं है राइट ये लोग गंदा फीड करते हैं फिर उससे हमारी ज़िंदियाँ बर्बाद होती हैं तो इन्वॉलमेंट बहुत है लोगों की हमारी ज़िंदगी में इंडिविजुअल लेवल हर बंदा घुसा हुआ है आप अच्छा ये गाड़ी क्यों ले ली यार ये ले लेते अरे भाई काम कर अपना बाइक पे तू मुझे बता रहा है वो गाड़ी नहीं लेनी होनी नहीं काम कर अपना अपना काम नहीं करते लोग हर बंदा आपकी नमाजें गिन रहे बैठा हुआ आप जुम्मे में नहीं दिखे आप ये नहीं कर रहे हो भाई तू तो अपना काम कर अपना छोड़ के हम सब का काम वही वाली बात ना मुझे <laughs> बहुत पसंद है वो जो कि इंडिया में या पाकिस्तान के लिए भी सेम है आप पान वाले के पास जाओ ना पान वाला आपको बताएगा कोहली को वन डाउन नहीं आना चाहिए या जो है कोच इसको नहीं बनाना था गंगुली ने ये कर दिया एम एस धोनी ने ये कर दिया या फिर ये जी मोदी जी से सरकार नहीं चल रही फाइनेंस मिनिस्टर ये होना चाहिए योगी को ये करना वो उसको सब आएगा वो इकोनॉमी भी कर देगा वो आपकी क्रिकेट भी सही वो सब पता है नहीं आएगा तो पान बनाना नहीं आएगा जो उसका अपना काम है हमारे यहाँ भी ऐसे ही है सबको सब दूसरों के सब काम पता है अपना काम नहीं करना फजूल की इन्वॉलमेंट है यार तो भाई यू डोंट डिजर्व दिस नो बडी डिजर्वस टू लिव लाइक द वे यूर लिविंग तो पुट यू फुट डाउन ऑन द ग्राउंड एंड यू नो लिव ऑन योर ओन टर्म्स मैन एक बूढ़ा बूमर आपको बता रहा है ये करो वो करो हली बली भाई ऐसा कोई सीन ही नहीं है लाइफ एक बार मिलती है भाई सबको मैं यही कहता हूँ लाइफ एक बार मिलती है अपनी टर्म्स पर जीना सीखो जैसी भी हैं टूटी फूटी सही अपनी तो हैं आज गलती करोगे कल सीख जाओगे भाई दूसरों की डिकटेशन में चलोगे ना कि भाई अच्छा ये 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 तो वो फिर आप कहीं पर भी, भी नहीं रहोगे हाँ दूसरों के तजुर्बे से ज़रूर सीखो करो वही जो दिल करता है ये मैं सबको कहता हूँ वरना लाइफ फजूल है फिर आप दूसरों को ही तकते रहोगे अच्छा आप क्या करूँ हर स्टेज पर अच्छा यार आप क्या करो अब आप बताओ आप क्या करूँ मैं यहाँ आ गया हूँ अब क्या करूँ ना मैन कोई सीन नहीं है पेरेंट्स को अपने इन्वॉल्व करें इसमें और इसकी सोल्यूशन की तरफ़ जाएँ थैंक यू ख्याल रखें ओके okay, जी तो ये थी आज के एपिसोड आई होप यू गाइज लर्न अ लॉट एंड थैंक यू सो मच फॉर कंकरेंटली वाचिंग द एपिसोड्स एंड सपोर्टिंग एंड यू कैन डू दैट ऑन पेट्रन डॉट कॉम स्लैश गंजी स्वैग उस पर भी आप कर सकते हैं और वैसे भी आप सब्सक्राइब करके भी कर सकते हैं थैंक यू फॉर ऑल द ई मेल्स अगेन लाइक दीज आर टॉपिक्स आई आई रियली फील यू नो नीड्स टू बी टॉक्ट अबाउट तभी मैं एक एक ई मेल पर बीस बीस मिनट ले जाता हूँ बिकॉज आई रियली फील फॉर दिस पीपल बिकॉज दिस नो वन देयर आउट देर फॉर देम टू लिसन एंड आई ट्राई माई बेस्ट माई नॉट बी द बेस्ट सोल्यूशन बट इट इज़ समथिंग आई होप इट हेल्प्स एंड आई होप इट हेल्प्स अदर्स इज वेल जो सुन रहे हैं एंड इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन टू बी इन वेर यू हैव टू लाइक लिटरली राइट एन ई मेल टू एनसोलूटर एंड शेयर योअर वर्ल्डर सो थैंक यू सो मच टू हु हैज़ रिटन सो फार Um, I wish I could help you, eh, all of you, um, eh, in a very personal manner as I can, but this is the best I can do for now. and I hope you guys had a wonderful Eid. Enjoy the weekend, and inshallah I'll see you Office.